बलिया में अतिक्रमण मुक्त और जाम से निजात दिलाने को लेकर एसपी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रैफिक अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान के तहत एसपी ने रोड पर अतिक्रमण व पार्किंग करने वाले लोगों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि इस अभियान में बाइक सवार 4 ट्रैफिक पुलिस बॉडी कैमरा, मोबाइल कैमरा व कई उपकरण होंगे, जिसमें रोड पर अतिक्रमण करने वालों का ट्रैफिक पुलिस ई चालान कर संबंधित थाने को तुरंत सूचित करेंगे। बता दें कि ऐसे लोगों के खिलाफ सबसे पहले एक नोटिस जारी किया जाएगा, वहीं नोटिस मिलने के बाद भी अगर लोग नहीं माने तो तब उन पर FIR दर्ज की जाएगी। जी, इसमें आज बलिया जनपद में जो सड़क पर अतिक्रमण हो रहा है या जो सड़कों पर पार्किंग कर देते हैं लोग, जिससे कि यातायात में व्यवधान उत्पन्न होता है, उसको देखते हुए हमने एक डेडिकेटेड दस्ता, मोटरसाइकिल दस्ता रवाना किया है, तैयार किया है, जिसमें कि हमने 4 पुलिसकर्मियों को लगाया है और इसमें इनको बॉडी कैमरा, मोबाइल कैमरा और हैंडसेट और कई उपकरण दिए गए हैं। प्रमुखता से इनका काम यह होगा कि जो भी सड़क पर अतिक्रमण करता है या रॉन्ग पार्किंग करता है, उसका ई चालान करेंगे और संबंधित थाने को सूचित करेंगे। प्रदेश के अमेठी जिले में रजिस्ट्रार कानूनगों का रिश्वत लेने और पैसे की मांग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वही वायरल वीडियो के बाद से प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद अमेठी जिले के SDM ने वीडियो की जांच करवाकर कार्यवाही करने का आदेश दिया है। जिला सूचना अधिकारी द्वारा मेरे मोबाइल पर एक वीडियो भेजा गया है, मैंने इसे देखा है, मैं इसकी जाँच करा रहा हूँ, जाँच कराने के बाद इस पर कार्यवाही कराता हूँ। तो देश के अमेठी जिले में सभी PHC केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला का आयोजन हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला आयोजन के अवसर पर जगदीशपुर के सरेसर PHC और CMO आशुतोष दुबे वहां पहुंचे और खुद सैकड़ों मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया, साथ ही सभी मरीजों को निशुल्क दवाएं दी। वही बता दें कि जिले के 30 केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर में हो रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है, साथ ही देवाधिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन कर निरीक्षण किया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को रात 9:15 बजे वाराणसी शहर में चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने निकले, जहाँ उन्होंने निरीक्षण के दौरान सबसे पहले काल भैरव मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन किए, साथ ही अगस्त 2021 तक हर हालत में पूरा कराए जाने का निर्देश दिया। वह निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ साथ पर्यटन मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, कमिश्नर दीपक अग्रवाल, जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में औद्योगिक क्षेत्र में सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा है। दरअसल बीते दिन UPSIDC के प्रबंधक ने कई बार नोटिस भेजकर अतिक्रमण हटाने की अपील की थी, जिसके बावजूद भी लोगों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसी के चलते आज जिले के कई थानों की फोर्स व PSC के जवानों की मौजूदगी में औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर अंतर्गत रोड नंबर 4 पर बुलडोजर चलाया जा रहा है।